राहुल योगी जी बहुत ही जाड़ा है, बहुत ही सर्दी है, आग भी बुझ चुकी है। क्या करा जाए, स्कूल की तरफ बढ़े या अभी आग के पास बैठे रहें? इतने जाड़े में स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल सर्दी में ऐसा लग रहा है इस आग के पास बैठे रहो। मोदी जी एक बात बताओ, आग के पास बैठने का अभी क्या फायदा है, आग तो बुझ चुकी। तो राहुल मैं यही तो पूछ रहा हूँ, चलो स्कूल चले फिर। मोदी जी ये भी कोई स्कूल जाने का वक्त है? स्कूल जाने का वक्त 8 बजे का है सुबह, और अब 12 बज रहे हैं, छुट्टी होने का वक्त हो गया होगा स्कूल में, और आप अब स्कूल जाने की बात कर रहे हो। थोड़ी देर यूं ही आग के पास बैठे रहते हैं, मैं तो घर जाके मम्मी से कह दूंगा कि मैं तो स्कूल से पढ़ के आ गया। स्कूल से पढ़ के तो बात को राहुल आओगे, वो देखो अपने स्कूल मास्टर लालू जी चले आ रहे हैं अपनी तरफ। अरे योगी जी ये तो आप सही कह रहे हो, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब भाग भी नहीं सकते, उन्होंने अपनों को देख लिया। मोदी जी योगी जी राहुल आज स्कूल तुम क्यों नहीं गए, तुम आग के पास यहाँ पे बैठे पड़े हो, स्कूल की छुट्टी होने वाली है, मैं क्लासरूम में आपका इंतजार कर रहा था तो केजरीवाल जी ने बताया कि वो तीनों लोग तो आग के पास बैठे हुए हैं गांव के नुक्कड़ पर, मैं तुरंत आप तीनों लोगों के पास चला आया। लालू सर जी हम तीनों लोग स्कूल की तरफ आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर आग बहुत तेज जल रही थी और सर्दी भी बहुत ज्यादा है, ये तो आप देख ही रहे हो, इसीलिए हम आग के पास रुक गए। लेकिन मोदी जी आग के पास रुक गए चलो कोई बात नहीं, अब तो आग बुझ चुकी है, कब की बेफालतू में तुम आग के पास बैठे पड़े हो, अब स्कूल क्यों नहीं आई ये बताओ। लालू सर जी आग बुझने के बाद हम तो कह रहे थे स्कूल चलती है, लेकिन इन मोदी जी ने रोक लिया, बोले थोड़ी देर और बैठे रहो इस आग के पास। क्यों मोदी जी ये राहुल क्या कह रहा है, स्कूल जाने से तुम ही ने रोका है इन दोनों को। लालू सर जी आप तो बेफालतू में इस राहुल की बात पे यकीन कर रहे हो, इसे तो मजाक करने की आदत है, मैं इन्हें स्कूल जाने से क्यों रोकूंगा, हम तीनों ही लोग रुके थे, योगी जी से पूछ लो। मोदी जी बेफालतू में मेरा नाम तो मत लो, मैं तो कब से कह रहा हूँ आग बुझ चुकी है, स्कूल चलते हैं, आप बुझी हुई आग के पास बैठे पड़े हो। लालू सर जी एक बात बताओ, आज तो स्कूल की छुट्टी होने का वक्त है, अब स्कूल जाने से फायदा भी क्या, हम घर वापस जाते हैं, कल को स्कूल आएंगे सुबह ही सुबह। मोदी जी योगी जी राहुल कल सुबह को स्कूल आ जरूर जाना, कहीं आग के पास आके दोबारा मत बैठ जाना, और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी कहाँ ले जा रहे हो, ये पीले चावल का बना हुआ भगोना कहाँ ले जा रहे हो ठेली पे लाद के? अरे हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं पीले चावल का। अरे जब से हमें पता चला है ईंट भट्टे के मैनेजर साहब मोदी जी आज अपनी तरफ से पीले चावल सारे मजदूरों को खिलाएंगे, तब से सुबह से थाली लिए बैठे हैं हम, यहीं पे दे जाओ खाना हमारा। अरे राहुल तुम्हें यहाँ पर जरा सा भी चावल नहीं मिलेगा, एक चावल नहीं दूंगा मैं यहाँ पर, वहां पर चिमनी के पास आओ, वहीं पर सब पंगत में बैठे वहीं पे खाना खाएंगे सब लोग, आ जाओ वहीं पे जल्दी जल्दी आ जाओ, मैं लेके चल रहा हूँ, और थोड़ी सी मदद करवाओ मेरी, ये भगवाना मुझसे अकेले जा नहीं रहा, थोड़ा धक्का लगवाओ इस ठेली में। अरे कैसी मजाक करते हो मोदी जी, हम कोई डबल डबल थोड़ी खा लेंगे, हमारा खाना यहीं पे दे जाओ, ये चावल पीले यहीं पे दे जाओ, बड़ा अच्छी धीमी धीमी खुशबू आ रही है तुम्हारे इस भगोने में से, दे जाओ हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राहुल मैं और लालू जी, वो देखो लालू जी, लालू जी का भी हिस्सा मेरी थाली में ही दे दो, क्योंकि लालू जी के पास कोई थाली नहीं है, दे जाओ यहीं पे। अरे वहां हम चिमनी के पास इतनी दूर कहां आएंगे, बहुत दूर है चिमनी, वहां पर पंगत में जो लोग हैं उन्हें खिला देना। राहुल अखिलेश तुम्हारी समझ में नहीं आता, एक बार मैं कह रहा हूँ वहां पर चिमनी के पास आओ, पंगत लगी हुई है, वहीं पर ये खाना दूंगा मैं, वहीं पर खिलाऊंगा, यहाँ पर तुम्हें चावल के नाम पे एक सीट नहीं दूंगा मैं तुम्हें, समझे। लालू जी को देखो कितने आराम से बैठे, तुम ही ज्यादा बोले जा रहा हूँ, वो तो बिल्कुल आराम से बैठे कुछ भी नहीं कह रहे। लालू जी आ जाओ वहां चिमनी पे। अरे कहां चिमनी पे आऊं मोदी जी, एक तो आज ईंटें ज्यादा बना ली, घुटने वैसी दर्द कर रहे हैं, मैं नहीं आ पाऊंगा, यहीं पे दे जाओ अखिलेश की थाली में मेरा हिस्सा, यहीं पे दे जाओ। अरे तुम पीले चावल बनाकर भगोने में सब मजदूरों को खिला रहे हो, पुण्य जरूर कमा रहे हो, मैनेजर जरूर हो इस भट्टे के, लेकिन कम से कम हमारा भी ध्यान रखो, हम इतनी दूर कहां चल के जाएंगे, वहां पंगत में यहीं पे दे जाओ, वहां बहुत भीड़ होगी, दे जाओ यहीं पे हमारा हिस्सा। लालू जी तुम भी इन्हीं के साथ हो लिए, चलो दे देता हूँ मैं यहीं पे। और भाइयों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कैसे लगे पीले चावल। अरे मेरे बेटे टोकरी में कम से कम मिट्टी तो कम कम भर, इतनी ज्यादा मिट्टी भर रहा है कि मुझसे उठाई नहीं जा रही है मिट्टी। अच्छा मम्मी जी एक बात बताओ, कितनी कम कम मिट्टी भरूं आपकी टोकरी में, अगर मैं ज्यादा मिट्टी आपकी टोकरी में नहीं भरूंगा तो ये खुदाई हो जाएगी। अरे योगी जी ने इस मिट्टी की खुदाई का ठेका अपना लोगों को 1000 रुपए में दिया है और 2 दिन में खुदाई करके देना है, अगर मैं ज्यादा ज्यादा मिट्टी टोकरी में नहीं भरूंगा तो हो गया काम। अरे मोदी जी आ गए, मोदी जी क्या बात है बताओ। अरे राहुल मिट्टी की खुदाई कर रहे हो, कितने रुपए में ये ठेका लिया है तुमने?
अरे मोदी जी, 1000 रुपए में योगी जी से टेका लिया है मैंने ये मिट्टी खुदाई का। सारी की सारी मिट्टी खोद कर देना है और इस मिट्टी को दूसरी जगह पर डालना है। लेंगे राहुल, 1000 रुपए के ठेके में तुम इतने सब लोग मिलकर काम कर रहे हो तो तुम्हें बचेगा क्या? योगी जी से इतना ही बड़ा ठेका मैंने 900 रुपए में लिया था, अकेले ही सारी की सारी मिट्टी खुदाई करके काम को खत्म कर दिया और अकेले ही मुझे 900 रुपए बच गए। लेकिन 1000 रुपए में तो तुम तो 3-4 लोग काम कर रहे हो, तुम्हें क्या बचेगा? राहुल, तो मो सोनिया जी हैं, ममता दीदी हैं और वो मायावती जी भी काम कर रही हैं। तुम्हारा तो सिर्फ 250-250 रुपए का काम होगा चारों लोगों का 1000 में। मोदी जी, 250-250 रुपए का ममता दीदी का और मायावती जी का काम होगा, मेरा तो 500 रुपए का काम होगा क्योंकि मम्मी जी का और मेरा हिस्सा दोनों मिलाकर 500 रुपए हो रहे हैं। घर में तो हमारे 500 रुपए आएंगे। अरे मेरे बेटे राहुल, 500 रुपए का अगर काम होगा भी तो मेहनत देख रहा है कितनी करना पड़ रही है। और ये मायावती जी किधर को घूम रही है, ये काम क्यों नहीं कर रही है? ममता दीदी, आप भी सही तरीके से खुदाई करो। और राहुल, ये अभी तक प्रियंका पानी लेकर क्यों नहीं आई? मैंने कह दिया कि जल्दी पानी लेकर आ जाना, काम करते करते प्यास से गला खुशक हो जाता है। अरे मम्मी जी, आप तो बेफालतू में चीखती रहती हो। वो देखो प्रियंका आ गई मटके में पानी लेकर। लो मम्मी जी पानी पी लो, मैं पानी लेकर आ गई, लो पी लो पानी। अरे मायावती जी, आप काम क्यों नहीं कर रही हो? आप अकेले वहाँ दूर कैसे घूम रही हो? मोदी जी, एक बात बताओ, मैं काम करूं कि नहीं करूं, इसमें आप बीच में बोलने वाले कौन होते हो? सोनिया जी ने ये ठेका लिया, सोनिया जी मुझसे कुछ कह सकती है? अरे मायावती जी, मोदी जी ने कोई गलत बात तो कह नहीं दी, वो ठीक तो कह रहे हैं। आप सही तरीके से काम ही नहीं कर रही हो, वहाँ पर घूम रही हो अलग अलग। देखो यहाँ पर मेरे पास में ममता दीदी कितनी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। राहुल, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, अब तुम मिट्टी की टोकरी को सर पे रख के ढोना शुरू कर दो और सोनिया जी को आराम कर लेने दो थोड़ी देर के लिए। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, योगी जी, अखिलेश, सच सच बताओ मेरा केला कहाँ गया? अरे इधर मैं खाने में मस्त था, भूख मुझे बहुत तेज लगी थी क्योंकि आज अपना दोपहर का खाना बहुत लेट खा रहे हैं। अरे अपना काम करने के बाद जब इस ढाबे पर खाना खाने के लिए आए थे तो 4 केले लेके चले थे, चारों अपना अपना एक एक, और सबने अपना अपना केला अपनी अपनी प्लेट के सामने रख दिया था। मैंने भी रख दिया था, लेकिन मैं खाने में मस्त हो गया, भूख तेज लगी थी, मेरा केला गायब हो गया। बताओ तुम तीनों में से ही किसी ने लिया, केला कहाँ गया मेरा? वैसे राहुल, तुम मेरी तनाजी ले सकते हो, मेरे पास कोई केला फेला नहीं है, मैं खुद खाने में मस्त हूँ। आज भूख बहुत तेज लगी है क्योंकि खाना लेट खा रहे हैं अपना लोग, तो तुम अपने केले का ध्यान क्यों नहीं रखते हो? मुझे लगता है अखिलेश तुम्हारे बराबर में है, अखिलेश ही खा गया चुपके से तुम्हारा केला। अरे मोदी जी, मेरा बुरा नाम तो लगाना मत। ये बताओ, ऐसे तो करीब योगी जी भी बैठे हैं राहुल के, तो योगी जी खा गए राहुल का केला? भाई मैं तो दाल चावल खाने में इतना मग्न था कि मुझे तो पता ही नहीं तुम्हारा केला कहाँ गया। ऐसा तो नहीं कहीं तुम ही खा गए हो और राहुल तुम हम सब पे इल्जाम लगाते हो? ये बात समझ में नहीं आ रही है, सबके सामने केला रखा है, तुम्हारा केला कहाँ चला गया? भाई से भाई, इस ढाबे की दाल चावल लगती बहुत बढ़िया है, मजा आ जाता है दाल चावल खा के। और तेज भूख लगी हो तो और ही ज्यादा मजा आ जाता है। आज भूख भी बहुत तेज लगी थी क्योंकि काम से लेट छूटे थे अपना। अरे ये कोई बात नहीं हूँ मोदी जी, मैं तुम्हारे साथ कभी खाना खाने के लिए नहीं आऊंगा। ये बताओ मैं क्यों खा जाऊंगा अपना केला? अगर मैं खा जाऊंगा तो फिर मांगूंगा क्यों? योगी जी ये बात गलत है जो तुम कह रहे हो कि मैं खा गया। अरे फिर तुम सबने अगर केला मेरा नहीं लिया है तो आसमान निकल गया या जमीन खा गई मेरे केले को? बात तो सही है राहुल तुम्हारी, जमीन खा गई या आसमान निकल गया, तुम्हारा केला गया तो गया कहाँ? वैसे योगी जी, सच सच बताना, चुपके से पूछ रहा हूँ, तुम ही ने लिया है ना राहुल का केला? सच सच बताना, छुपा लिया ना तुमने? अरे मोदी जी, मुझ पे नहीं है, अखिलेश ने छुपा लिया इस राहुल का केला। ये खाने में इतना मस्त था, इसे पता ही नहीं चला इसका केला कहाँ गया, अखिलेश ने छुपा लिया है। अभी कह रहा है थोड़ी देर बाद दे देगा, अभी थोड़ा सा परेशान कर रहा है राहुल को। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।